हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग जिस फंगस के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैंडिडा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडा एक ऑपरचुनिस्टिक फंजाई में आता है। ऑपरचुनिस्टिक फंजाई का मतलब क्या होता है कि ये हमारी बॉडी पे तब अटैक करेंगे जब हमारी इम्यूनिटी लो होगी। नॉर्मली ये हमारी बॉडी पर अटैक नहीं करते, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, लेकिन जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है ये हम पे अटैक कर देते हैं। कैंडिडियासिस कैनेडा का मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज़ है और ये हमारी स्किन, म्यूकोसा, विजेरियस विसरल ऑर्गन्स पे अटैक कर सकता है। ये एक ईस्ट लाइक फंगस होता है। कैनेडा एक ईस्ट लाइक फंगस है, ये आपको याद ही रखना है पक्का पक्का, ताकि अपने पेपर में आप इसको लिखें तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मेनली मतलब टीचर्स ने जब इसको को देखते हैं, और ये सिडो हाइफी बनाता है। कैनेडा एल्बिकन्स मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज़ है, और इसके अदर स्पीशीज़ हैं जैसे कैनेडा ग्लेबर्टा, क्रूसेई एक्सेट्रा। पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो पैथोजेनेसिस में ये इन्फेक्शन कर देता है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कर रहा है ये। एचआईवी पेशेंट में भी ये बहुत कॉमनली करता है, क्योंकि एचआईवी पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर हम और फैक्टर्स पर ध्यान दें कि ये किनको हो सकता है, तो फिजियोलॉजिकल स्टेट पर देखें तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे कि इन्फेंट्स को, और या फिर ओल्ड एज को, या फिर कोई वुमेन प्रेगनेंसी में होती है तब लो इम्यूनिटी होना, और वो पेशेंट जो कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ये उनको भी होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स से क्या होगा कि हमारी बॉडी के दूसरे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो इस टाइम पर फंगस को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमारी बॉडी पर अटैक करने की। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा जब डेथ हो जाएगी तो वो फंगस को स्टॉप करने के लिए वहाँ पर नहीं होंगे। वायरल फैक्टर देखिए मतलब किन चीज़ की मदद से हम पे अटैक कर सकता है कैनेडा। तो कैनेडा हमारी बॉडी पे एडिशंस करके, मतलब चिपक के उसका धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर पेंट्रेट करके। उसके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे एस्पार्टिल प्रोटीओनेजेज, और प्रोटीओनेज क्या करता है, हेल्प करता है टिश्यू के इन्वेजन में। और उसके पास कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जिसकी मदद से हमारी बॉडी पर अटैक कर पाता है। अगर हम इसी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखें तो ये बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले होती है म्यूकोसल कैंडिडियासिस, इसमें दो आती हैं, ऑरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस और कैंडल वल्वोवेजिनाइटिस। ऑरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस का दूसरा नाम ओरल थ्रश भी होता है। ये हमारी टंग के ऊपर बेसिकली होता है, और ये वाइटिश सा पेनलेस पैच बना देता है हमारे माउथ में। मतलब आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आपके मुँह में वाइट वाइट सा कर्ड लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है, हम ओरल थ्रश कहते हैं। कैनेडा वल्वोवेजिनाइटिस क्या होता है कि वेजाइना से कर्ड लाइक वाइटिश लिक्विड सा, मतलब वहाँ पे डिस्चार्ज होने लग जाता है। क्यूटेनियस कैंडिडियासिस क्या है? क्यूटेनियस का मतलब स्किन के ऊपर होने वाला, ये इंटरट्रिगो होता है और नंबर टू डाइपर कैंडिडियासिस होता है। क्यूटेनियस भी दो हिस्सों में होता है, इंटरट्रिगो एंड डाइपर कैंडिडियास। इंटरट्रिगो का मतलब माई ग्रोइन एरियाज में, जैसे थाइस के बीच में, आर्मपिट में, स्वेटिंग की वजह से कैंडिडा का इन्फेक्शन होना कॉमन है। और डायपर कैंडिडियासिस, छोटे बच्चे बहुत डायपर पहन के रहते हैं तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होना वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इन्वेसिव कैंडिडियासिस यानी कि बॉडी के अंदर जैसे ब्लड में, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है ये, पल्मोनरी कैंडिडियासिस कर सकता है ये, सेप्टिसीमिया कर सकता है, मेनिनजाइटिस कर सकता है। अब उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर बात करें तो स्पेसिमेन कलेक्शन में साइट के हिसाब से आप कोई सा भी स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वाइटिश म्यूकोसल पैच, स्किन, नेल, स्क्रैपिंग, स्पूटम, यूरिन या फिर ब्लड भी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में आपको ग्राम स्क्रीनिंग जब आप करेंगे तो आपको ओवल बडिंग ई सेल्स दिखेंगे 4 to 6 माइक्रोमीटर साइज के, जिनके पास स्यूडो हाइफी होगा। और अगर आपको ये जानना है कि स्यूडो हाइफी अच्छे से क्या है, तो आप मेरी अदर वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कल्चर करने के लिए हम लोग जो भी फंगल के मतलब स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम लोग SDA में ही हमेशा कल्चर करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस में, फिर हम इसको इनक्यूबेट कर देते हैं। और कैनेडा एल्बिकन्स की यानी कि कैनेडा एक ऐसी स्पीशीज है जो कि 4 वीक्स नहीं लेती है ग्रो करने में, ये 1 to 2 डेज में ही ग्रो हो जाता है। और अगर हम इसका स्पेसिफिक टेस्ट देखें कैनेडा एल्बिकन्स के लिए, तो वो है जर्म ट्यूब टेस्ट। जर्म ट्यूब टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग जो कॉलोनीज होती हैं उनको ह्यूमन या फिर शीप ब्लड सीरम के साथ में इनक्यूबेट कर देते हैं। यहाँ पर शीप सीरम के साथ में इनक्यूबेट करते हैं, ब्लड के साथ में नहीं। और फिर
उनको 2 घंटे के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। फिर हम उसका वेटमोन प्रिपरेशन बनाते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं। तो वहाँ पे जर्म ट्यूब शेप के, वहाँ पे आपको लॉन्ग ट्यूब्स दिखाई देने लग जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, जिनके पास में सुडो आईपी होता है। और फिर इसका हम लोग अगर इम्यूनो डायग्नोसिस टेस्ट देखें तो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट में एलाइजा कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको कुछ इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। कैनेडा एल्बिकन्स की ग्राम पॉजिटिव ओवल बडिंग ईस्ट सेल्स हैं ये। ये आपको एसडीएम में दिख जाएगा यहाँ पे। फिर ये आपको क्रोम अगार पे शोइंग कॉलोनी ऑफ वेरियस कैनेडा स्पीशीज, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाएंगी। क्रोम अगार में डिफरेंट कलर से डिफरेंट स्पीशीज रिप्रेजेंट होती हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ देखिए ओरल थ्रश के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखा रखे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।